सिर्फ मैंने इसको खर्च करना है। 10 डब्बे खरीद सकती हूँ। किम लगे हुए राइस और पिंक। अस्सलाम वालेकुम गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप सबका पर्सनली थैंक यू कहना चाहती हूँ, 10,000 टाइम्स कहना चाहती हूँ। लेकिन टाइम इतना ज़्यादा लग जाएगा तो मैं आपको एक दफ़ा में कह देती हूँ थैंक यू सो मच। हम सामनीदा बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल पे। आपको कोई कंटेंट अच्छा लगा या जो भी आपको अच्छा लगा, आई एम रियली ग्रेटफुल। इस तरह मैं वीडियोस बनाती रहूंगी बहुत मजे मजे की। मुझे वीडियो बनाते बनाते काफी टाइम हो गया, मैं जरा मसरूफ थी, तो अभी मेरे चैनल पे 11,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन वीडियो मैं 10,000 के लिए बना रही हूँ। अभी मैंने सोचा है कि मैं ना 10,000 का चैलेंज करती हूँ, क्योंकि ये चैलेंज बहुत ज्यादा फेमस है, मोस्टली यूट्यूबर्स करते हैं। यूजुअली ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, वो भी मनन के नोट्स में होती हैं, तो मनन बहुत ज्यादा ट्रेड में यूज होता है, शॉपिंग्स में यूज होता है। 10,000 का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, हम ये देखते हैं कि 10,000 में कुछ मिलता भी है कि नहीं। नहीं। सारे दिन का खाना तो दूर की बात, एक टाइम का खाना भी मिल सकता है कि नहीं। नहीं। हम लोग चलेंगे CVS स्टोर और CVS चैलेंज करेंगे। मैं किसी और जगह भी जाके यही सेम चैलेंज कर सकती थी, लेकिन CVS चैलेंज सबसे ज्यादा फेवरेट है सबके। बहुत वहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, स्नैक्स भी होते हैं और भी काफी सारी ऑप्शंस होते हैं। तो चलिए चलते हैं और एक CVS स्टोर में जाके 10,001 का चैलेंज करते हैं। तो बाहर जाने से पहले मैंने जैकेट पहन ली है और ये है मेरे पास 10,001 का नोट, सिर्फ मैंने इसको खर्च करना है एक टाइम में। आपने अगर मेरे और भी व्लॉग्स देखे हैं CVS चैलेंज से रिलेटेड, तो आपको अंदाजा होगा कि यूजली मेरे से 12 से 15,001 का खर्चा हो जाता है। तो अभी देखते हैं कि अभी 10,000 में क्या मिलता है। आज बाहर का मौसम जो है ना बड़ा ही खूबसूरत हो रहा है, बारिश हो रही थी सुबह से, बारिश एंड स्नोफॉल का मिक्सचर कुछ गिर रहा था, ऐसे लग रहा था स्मूदी गिर रही है बारिश की शक्ल में। अभी आसमान पे बादल देखे कितने सुरमई और गहरे हैं, तो और भी बारिश हो सकती है और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, धूप भी नहीं निकली। वेल, मैं इस GS 25 कन्वीनियंट स्टोर आई हूँ और यहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ है, यहाँ से सामान लोड हो रहा है, तो मैं अंदर जाके फिर वीडियो बनाती हूँ। मुझे ना इतनी शिद्दत की ठंड लग रही है ना, बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड हो रहा है। शुक्र है मैंने मोटी जैकेट पहन ली थी। रामियन के सेक्शन में हूँ और यहाँ पे नूडल्स की डिफरेंट प्राइसेस है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो रामियन मैं खा सकती हूँ वो ये है, चीज़ बुकी, और इसकी प्राइस है 1,250 won। तो लगभग इस तरह के मैं 10 डब्बे खरीद सकती हूँ 10,000 कोरियन वन में, लेकिन मैं 10 नहीं खरीदूंगी, मैं एक ही खरीदूंगी क्योंकि इतनी भूख है। इसके अलावा यहाँ पे ना चावल वगैरह भी मिल जाते हैं, जैसे कि ये नज़र आ रहे हैं। तो ये है चावल, सिर्फ इसको ओवन में गर्म करना है, बिल्कुल पक्के पकाए तैयार राइस होंगे। और इसकी कीमत ये लिखी हुई है, लेकिन मैं ये लूंगी नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। अगर आपने सिर्फ एक छोटा सा पैकेट लेना है ना, तो ये भी ले सकते हैं, कभी जब हमें बहुत ज़रूरत होती है ना, तो उर्वा के लिए हम लोग ये ले लेते हैं। और इसकी कीमत है 1,600 won। तो ये छोटी सी बॉइल्ड राइस की एक प्लेट है। इसके अलावा यहाँ पे ब्राउन राइस भी हैं और ये दूसरे मिक्स्ड ग्रेन राइस भी हैं। तो ये सारे जो है ना डिफरेंट इनकी प्राइसेस हैं, 2,400 और 1,600 तक की, ये भी काफ़ी इकोनॉमिकल हैं। अच्छा, बने बनाए खाने के सेक्शन में ना यहाँ पे ये किम लगे हुए राइस होते हैं, ये भी बने बनाए होते हैं, सिर्फ गर्म करना होता है। इसमें छमछी मायोनीज है, यानी कि फ़िश वाले ट्यूना वाले राइस हैं, और ऊपर जो है ना ये सी वीड लगा हुआ है, तो ये भी बहुत ही इकोनॉमिकल होता है। और इसकी प्राइस है 1,400 कोरियन वन, लेकिन इसमें गोश्त भी डला हुआ है, तो इस वजह से ना मैं इसको ले नहीं रही। अच्छा गाइस, ये ना सैंडविच है और इसकी कीमत है 2,300, और अक्सर जो है ना मैं ऑफिस में ये लेके खा लेती होती हूँ, तो ये भी बड़ा मज़े का होता है। गाइस, खाने के बाद जो है ना कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा दिल करता है, तो मैं यहाँ से कॉफ़ी देख रही हूँ। और नॉर्मली मैं कैरामल मक्याइटो पीती हूँ और इसकी कीमत है 1,800 कोरियन वन। तो ये कैफे लाते जो है ना मैं अपने लिए एक चूज़ कर रही हूँ। गाइस, खाने के बाद मीठा तो लाजमी होता है ना, तो मैं अपने लिए एक केक ले रही हूँ और इसकी कीमत है 3,800 कोरियन वन। मुझे क्योंकि अपने 10,001 पूरे करने हैं, तो मैंने सोचा कि मैं एक आइसक्रीम भी ले लेती हूँ और फिर बैठ के जो है ना सारी चीज़ें इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे आइसक्रीम की प्राइसेस 1,500 से 2,500 तक होती हैं, और ये डिफरेंट आइसक्रीम्स हैं यहाँ पे। तो गाइस, मुझे ना आइसक्रीम के सेक्शन में फतपिंगसू नज़र आया है, और ये कोरियन ट्रेडिशनल डिज़र्ट है, तो इसको ट्राई करते हैं। और इसकी कीमत है 3,000 won। तो लगभग मेरा 10,000 कोरियन वन हो गया होगा। तो अब हम चल के जो है ना शॉपिंग करते हैं और देखते हैं कि मैंने ज़्यादा खर्चा कर लिया या कम। तो गाइज़, मेरा ना चेकआउट हो रहा है। गाइज़, ये मेरा टोटल है 9,870 won। वाह, तो बाय कैश जो है ना मैंने उसको पेमेंट किया है, और मेरे बकाया बचे हैं हम सामने था, तो 10,000 में से मेरे ये बकाया पैसे बचे हैं। तो गाइज़, मेरी 10,001 में ये सारी शॉपिंग है, इसमें नूडल्स हैं, केक है, कॉफ़ी है और आइसक्रीम है। और इसके अलावा मेरे पास जो बकिया पैसे बचे हैं वो हैं 130 won, यानी कि मैंने 1,000 रुपये की शॉपिंग की हो और उसमें से मैंने 10-12 रुपये बचाए हो, तो ऑलमोस्ट मेरे सारे लग गए हैं और मैंने एक टाइम का खाना लिया है। तो मैं
मैं अब अपने नूडल्स को खोल के ना इसमें पानी वानी डालती हूँ। इसका एक साइड से थोड़ा सा ऐसे मैंने खोला है। गाइस तो मैं गर्म पानी डाल के आ गई हूँ नूडल्स में। अभी इसको थोड़ी देर वेट करके रखना पड़ेगा ताकि अच्छे से ये पक जाए। इस पर भी लिखा हुआ है कि 4 मिनट जो है ना इंतजार करें और उसके बाद पानी फेंकें। तो अभी इसको मैं ऐसे बंद करके रख दूंगी ताकि अच्छे से पक जाए। मुझसे सब्र नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत ही भूख लग रही है। और सुबह मैंने नाश्ता किया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैंने सोचा था मैं बाहर जाके ब्लॉग बनाऊंगी और तभी कुछ खाऊंगी, तो इस वजह से अब मुझे खुशबू से जो है ना रहा नहीं जा रहा। तो गाइज यहाँ पे ना पानी फेंकने की जगह बनी हुई है, तो इस तरफ से मैंने खोला है और पानी सारा फेंक दिया है। तो अब ये जो स्पाइसेस है ना, मैं इसको खोल के इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। एक्चुअली ये चीज़ बुगी है, तो सिर्फ और सिर्फ चीज़ है इसके अंदर। और बस इसके बाद इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। और पानी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था तो अभी तक इसमें से धुएं निकल रहे हैं, और फ़ौरन से मैं खाऊंगी ना तो ज़बान जल जाएगी, इसलिए स्लोली स्लोली। इसका टेस्ट बिल्कुल जैसे चीज़ वाला होता है ना, पिज़्ज़ा पे जो चीज़ होती है उसी तरह का टेस्ट है। और थोड़ा सॉल्टी सॉल्टी सा है। इस तरह से करने से जो है ना सारा जल्दी से मिक्स हो जाता है। तो इस तरह से ये चॉपस्टिक्स पकड़ते हैं, एक इस उंगली पे, एक इस उंगली पर। ये उंगली जो होती है ना सिर्फ और सिर्फ चॉपस्टिक्स को यानी कि मूव कराने में इस्तेमाल होती है। मुझे खुद भी बहुत टाइम लगा सीखने में, अब मेरी बेटी ही करती है यूज़, तो मुझे आ गया यूँ यूँ। और उसके बाद फिर इस तरह से, तो मैं आराम आराम से अपनी चीज़ बुगी खाऊँगी, फिनिश कर लूँ, क्योंकि मैं गरम गरम खाना चाहती हूँ और खाते हुए ज़्यादा बातें नहीं करना चाहती, अजीब सा लगेगा चीज़ बुगी ख़ास तौर पे खाते हुए। वेल सही बात यह है कि ना मेरा YouTube चैनल बहुत ही मेरे लिए एक हैप्पी प्लेस है और मैं रियली इसको एंजॉय करती हूँ। रियली सच अ बिग ब्लेसिंग कि मैं किसी की जिंदगी चेंज कर रही हूँ या मेरी वजह से मुझे देख के किसी को कुछ सीखने को मिला है। इंसान हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। नहीं वेल आई रियली एम सो हैप्पी कि आप लोगों को मेरे अंदर कुछ तो अच्छा लगता है, आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं। अब मैं वीडियो को बंद करती हूँ और खा लेती हूँ पहले। ओके गाइस, तो मैंने सारे नूडल्स खा के ख़त्म कर दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो बिल्कुल ही मैं जंगली बनी हुई थी, और सारे ख़त्म कर लिए हैं। अब जो है ना कुछ मीठे का दिल कर रहा है, मीठा हो जाए। तो ये मैंने लिया था तिरामिसू स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, अच्छा लग रहा था, पहली दफ़ा मैंने यहाँ देखा पड़ा हुआ। नॉर्मली जो चॉकलेट और कॉफ़ी फ्लेवर में होता है, तो ये ट्राई करते हैं कैसा है। तो हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स की खुशी में ये केक काटते हैं। हैप्पी 10K। ये केक का बाइट आप सबके लिए भी, लोग भी मुँह मीठा कर लें। 10,000 हो गया सब्सक्राइबर हमारे, इंशाल्लाह ऐसे स्लोली स्लोली हम ग्रो करते रहेंगे, कोई जल्दी नहीं है। इंजॉय करेंगे इस जर्नी को और बहुत ही मज़ा आएगा साथ मिलके। 100K भी कर लेंगे एक दिन, कोई ना कोई दिन तो होगा जब हो जाएंगे। अभी तो ये इंजॉय करते हैं, ये मोमेंट इंजॉय करते हैं। तबाही। तो इसके अंदर जो है ना स्ट्रॉबेरी जैम है, केक है, ऊपर ये क्रीम है, और ये स्ट्रॉबेरी के छोटे 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 चंक्स हैं। तो बहुत ही मज़ेदार है यार, पैसे वसूल हो गए। मेरी जो स्ट्रॉबेरी जैम है ना उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मीठा हुआ है, और इसके अंदर शीरा भी डाला हुआ है केक में, और ऊपर क्रीम भी मीठी है। तो मुझसे बस ये आधा ही खाया गया है, बाकी मैंने नूडल्स भी क्योंकि खा लिया ना 450 कैलोरीज के, तो अब पेट फटने वाला हो गया। और ये हमारा फतबिंगसू डिज़र्ट भी रहता है, तो मैं ये भी थोड़ा सा इन्जॉय करना चाहती हूँ। मैंने इतना प्रोफेशनल तरीके से इसको दोबारा से पैकेजिंग कर ली है, और शाम में जो है ना जाहिद को दूंगी, जाहिद का मुँह मीठा करवाऊंगी। तो हम लोग अब ये ट्राई करते हैं फतबिंगसू। और कोरिया में ना डिफरेंट कॉफ़ी शॉप्स में भी ये मिलता है, कॉफ़ी शॉप्स में तो ये एज अ बाउल मिलता है, उसमें नीचे बर्फ़ का गोला गड्ढा होता है और ऊपर से फात होता है, इस पर जो है ना ये पूरा आइसक्रीम के साथ है। तो मैं पहली दफ़ा ट्राई कर रही हूँ, लेट्स सी। तो गाइस इसके सेंटर में आइसक्रीम है और साइडों पे फात है, ये मैं इसको दबा के दिखाती हूँ। फात बिल्कुल एक तरह से पेस्ट होता है, बीन पेस्ट मीठे वाला, तो सारी एक स्वीट डिश ही है ये भी। इसके अंदर उन्होंने जो एक्सप्लेन किया हुआ वो ये है कि ये आइसक्रीम है वनीला और चिनहन फात अंगम, और उसके बाद नीचे यनयू फात पिंगसू। तो जितना हो सकता था मैंने इसके अंदर डाला है चम्मच में सारी डिफरेंट लेयर्स। बिस्मिल्लाह करके ट्राई करते हैं। टेस्ट रजिस्टर नहीं हो रहा। मैंने वो जो स्ट्रॉबेरी तिरामिसू खाया ना उसकी वजह से सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो भी इतना मीठा मीठा सा था ना, और ये भी बहुत मीठा मीठा सा है। लिटरली इसके 2-3 चम्मच के बाद जो है ना ख़त्म हो जाती है बंदे की। लेकिन आज से 4 साल पहले 5 साल पहले मुझे इसका इतना क्रेज़ था ना, मैं पागलों की तरह खाती थी। जिस भी कॉफ़ी शॉप पे जाती थी ना वहाँ पे मैं यही इतना बड़ा बाउल ऑर्डर करती थी और फतबिंगसू बैठ के खाती थी। तो इसका टेस्ट मैं मीठे के अलावा और कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये मीठा मीठा मीठा, बस बीन्स को आप रगड़ दें और उसमें चीनी ऐड कर लें, ये मीठी मीठी दाल के उस तरह का टेस्ट है। इसके अलावा कहीं कहीं जगह पर ना आपको जेलीज आएंगे और कुछ चंक्स आएंगे चॉकलेट के, वो भी एक्चुअली बीन के चंक्स होंगे, चॉकलेट नहीं होगी। डिफरेंट टेक्सचर्स बनाए हुए हैं लेकिन है सारी चीज़ें मीठी, यानी दाल के साथ
प्लेन मीठा वाला फीलिंग आती है। इसको खाने के बाद जो है ना मेरा इसका बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं कर रहा और एक्सट्रीमली मीठा हो गया, मेरी जबान जो है ना टूट गई है मीठा खा के। अगर मेरी जबान में कोई हड्डी होती तो टूट चुकी होती, इतना मीठा वाकई में रियली में अच्छा नहीं लग रहा। तो इसलिए मैं इसको भी रख रही हूँ, किसी और टाइम में खाया जा सकता है, इट्स डिलीशियस इट्स गुड। लेकिन जब बंदा बहुत ज्यादा डाउन हो रहा हो एनर्जी और कुछ भी ना पड़ा हो खाने का तो उस वक्त ये खा ले। इस वक्त मैंने नूडल्स लिए थे तो मैंने सोचा था कॉफी पी के मजा आएगा, लेकिन अब इतना मीठा खाने के बाद जो है ना कॉफी भी मीठी मीठी तो दिल नहीं कर रहा, लेकिन मुझे प्यास लग रही है तो थोड़ा सा ये पीते हैं। शुक्र है ये कम मीठी है। गाइस कोरोना की थोड़ी सी मैं अपडेट बताऊं, मैंने नेक्स्ट मंथ की अपनी वैक्सीन की रिजर्वेशन करवा ली है, मुझे तीसरी वैक्सीन लगेगी क्योंकि हर जगह पे वैसे भी जब जाओ ना तो चेक करते हैं। अभी भी मैं यहाँ बैठी हूँ तो अपनी वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखा के बैठी हुई हूँ, ऐसे नहीं बैठी हुई। तो जब मेरी वो वैक्सीन एक्सपायर हो जाएगी दो नंबर वाली तो मुझे थर्ड वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर मैं वैक्सीन नहीं लगवाती तो इस तरह की वीडियोस भी नहीं बना सकूंगी। तो मैंने अपनी रिजर्वेशन करवा ली है, दिल तो बिल्कुल भी नहीं था लेकिन मरता क्या ना करता करनी पड़ेगी। और कॉफ़ी मेरी लास्ट चीज़ है, मैं अब ये कचरा वचरा समेट के फेंकती हूँ, कॉफ़ी पी लूँ पहले, ये अपने साथ ही लेके जाऊँगी। जब आप मुझे सब्सक्राइब करें तो मेरी किसी भी वीडियो के नीचे अपना कमेंट कर दिया करें। मैं न्यू सब्सक्राइबर हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, इंडिया से हूँ, जहाँ से भी हैं आप बता दिया करें, वो मुझे भी पता चलेगा आप लोग कहाँ से मुझे देख रहे हैं। और आप लोग अपने बारे में भी लिखा करें कि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। और आप लोगों से मैं यहाँ पे ही करती हूँ अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने का, सब्सक्राइब करने का, बहुत सारा सपोर्ट करें, प्यार दें, कमेंट्स करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।